नमस्कार, मैं हूं गोहित कौशिक और स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में। लाइव आपके लिए आए हैं डीटीपी आरएस भट्ट जी, फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए मानेसर में जो अवैध निर्माण किया गया था, आपको बता देते हैं यहाँ पे अवैध निर्माण किया गया था, अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी जिसके चलते डीटीपी आरएस भट्ट फिर से पीला पंजा चलाते हुए आपको दिखा रहे हैं। और इसके अंदर आपको नाम बता देते हैं, ये जो ज़मीन बताई जा रही है जहाँ प्लॉटिंग हो रही थी, उमेश अग्रवाल का नाम इसमें लगातार आ रहा है, जो पूर्व विधायक है गुरुग्राम के, उनका नाम इसमें लगातार आ रहा है। और आपको बता देते हैं बड़ी कार्रवाई करते हुए सारा ढांचा तोड़ सिंघम की तरह पीला पंच को ध्वस्त करते हुए आपको दिखा देते हैं। लाइव फुटेज आपको दिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पूरी तरीके से अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर ढा दिया गया है। आपको बता देते हैं जो ये कार्रवाई है, ये देखिए पूरी तरीके से जो लेंटर था, पूरी तरीके से जो बना हुआ था, ऑफिस बनाया गया था, उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। आपसे कहेंगे, दरख्वास्त करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। खुद डीटीपी आरएस भट्ट मौके पे मौजूद है, भारी मात्रा में पुलिस फोर्स भी तैनात है, साथ ही जो अवैध निर्माण लगातार किए जा रहे थे उसके खिलाफ लगातार लॉकडाउन के दौरान भी FIR लिखी जा रही थी। डीटीपी आरएस भट्ट FIR लॉकडाउन के दौरान भी FIR करवा रहे थे, उसके बाद आज बड़ी कार्रवाई करते हुए जिनके खिलाफ FIR की थी उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सारा जो अवैध निर्माण किया गया था उसको ढहा दिया गया है। खुद डीटीपी आरएस भट्ट मौके पर मौजूद हैं, आपको लाइव दिखा रहे हैं फुटेज। आपसे दरख्वास्त करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। खुद डीटीपी आरएस भट्ट मौके पर मौजूद है, देखिए किस तरीके से अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। सबसे पहले सबसे तेज आपको दिखा रहे हैं और आपसे दरख्वास्त करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, क्योंकि ये कार्रवाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग हैं मानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं बात। और आरएस भट्ट बड़ी कार्रवाई करते हुए लोग यहाँ पे आ गए हैं, जिनका अवैध निर्माण था वो यहाँ पे मौजूद हैं। आरएस भट्ट फिर से पीला पंजा चलाते हुए और कार्रवाई ध्वस्त कर दिया गया है पूरी तरीके से, जो अवैध निर्माण किया गया था उसको ध्वस्त कर दिया गया है। लाइव आपको दिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, आपसे दरख्वास्त है। और साथ ही आपको बता देते हैं लॉकडाउन के दौरान भी इनके खिलाफ FIR की गई थी, FIR करने के बावजूद भी यहाँ अवैध प्लॉटिंग चल रही थी, और उसके बाद अब ये कार्रवाई करते हुए ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया है। साथ ही आपको बता देते हैं मानेसर में हम मौजूद हैं, मानेसर के जो यात्री जो होटल है उसके सामने हम मौजूद हैं। जो अवैध प्लॉटिंग चल रही थी, अवैध निर्माण किया जा रहा था, उसको ध्वस्त किया जा रहा है, आपको लाइव दिखा रहे हैं। भारी मात्रा में पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है और आपसे दरख्वास्त करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए आपको लाइव दिखा रहे हैं, लाइव फुटेज अवैध निर्माण को फिर से एक बार ध्वस्त करते हुए डीटीपी आरएस भट्ट, एक तरीके से गुड़गांव का सिंघम भी कहा जाता है डीटीपी आरएस भट्ट को, क्योंकि जो लोग अवैध निर्माण करते हैं, अवैध कार्रवाई करते हैं, उनके खिलाफ बड़ी वो करते हैं। और आपको दिखा देते हैं भारी मात्रा में पुलिस बल भी यहाँ मौजूद है, और आपसे दरख्वास्त करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। डीटीपी आरएस भट्ट खुद बड़ी कार्रवाई करवाते हुए, साथ ही देखिए किस तरीके से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। एक बार फिर से ये जो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं बाउंड्री बनाई गई थी इस ऑफिस की, वो बाउंड्री भी ध्वस्त कर दी गई है। लाइव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। JCB पूरी तरीके से, 3 से 4 JCB मौके पर मौजूद है कार्रवाई करते हुए। DTP आरएस भट्ट जितना भी अवैध निर्माण था, प्लॉटिंग की जा रही थी, उसको पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए पुलिस बल मौके पर मौजूद है। और आपको इससे पहले बता देते हैं, कुछ समय पहले अभी जब डीटीपी आरएस भट्ट यहाँ कार्रवाई कर रहे थे तो पूर्व विधायक जो हैं उमेश अग्रवाल, उन्होंने भी यहाँ पे एक तरीके से आके ध्वस जमाई, डीटीपी आरएस भट्ट को डराने की कोशिश की। पर ऐसे ही किसी को सिंघम नहीं कहा जाता, क्योंकि लगातार कार्रवाई करते हुए डीटीपी आरएस भट्ट अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है, एक के बाद एक अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। आपसे दरख्वास्त करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। लाइव आपको दिखा रहे हैं, ये जो पीछे प्लॉटिंग हो रही थी यहाँ पे, अवैध निर्माण में प्लॉटिंग भी करी जा रही थी, अवैध प्लॉटिंग यहाँ पे हो रही थी, इसके चलते खुद डीटीपी आरएस भट्ट आए। करीबन 11 बजे से, सुबह 11 बजे से कार्रवाई चल रही है और लगातार इस कार्रवाई को किया जा रहा है। 3 से 4 JCB मौके पर मौजूद हैं और साथ ही भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद हैं। आरएस भट्ट खुद कार्रवाई करते हुए, आपसे दरख्वास्त करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। लाइव आपको दिखा रहे हैं, देखिए गुरुग्राम में जगह जगह पे अवैध निर्माण किए जाते हैं, अवैध निर्माणों को रोकने के लिए एक ही नाम सामने आता है, वो डीटीपी आरएस भट्ट। और डीटीपी आरएस भट्ट जी खुद कार्रवाई करते हुए, और सुबह करीबन 11 बजे से ये कार्रवाई चल रही है।
लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आपसे दरख्वास्त करेंगे इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक के बाद एक अवैध निर्माण गुड़गांव में और अन्य जगहों पर होते जा रहे हैं, जिसके चलते कोई काबू नहीं किया जा रहा था, पर जब से DTPRS भट्ट मौके पर आए तो कार्रवाई हो रही है, अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। साथ ही आपको बता देते हैं सुबह 11 बजे से कार्रवाई चल रही है, मानेसर में एक कार्रवाई है, हयात जो होटल है उसके सामने वाले जो आगे अवैध प्लॉटिंग हो रही थी जिसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे शेयर कर रहे हैं, लाइव आपको दिखा रहे हैं, आप देखें किस तरीके से यहाँ पे अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। तरीके से एक ढांचा बनाया गया था, उस ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खुद DTPRS भट्ट मौके पे मौजूद हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। बात करेंगे DTPRS भट्ट से भी कुछ ही देर में, जानेंगे क्या कार्रवाई की है, किसके ऊपर ये मामला था, क्योंकि इससे पहले बताया जा रहा है कि उमेश अग्रवाल पूर्व जो विधायक है उन पर यह कार्रवाई चल रही है। इससे पहले पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई थी, जो हमने सबसे पहले आपको द हिंद वॉरियर न्यूज़ पे दिखाई थी। और अब आपसे दरख्वास्त करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आरएस भट्ट जी से भी बात करवाएंगे, DTPRS भट्ट से भी आपकी बात करवाएंगे, जानेंगे किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। पहले आपको दिखा रहे हैं अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर मौके पर मौजूद है, जो लोग हैं लोग भी देख रहे हैं। खुद यहाँ पे कुछ समय पहले उमेश अग्रवाल जी भी मौजूद थे, जो हम आपको एक खबर बनाएंगे जिसमें आपको उस खबर में दिखाएंगे कि क्या वारदात हुई थी, क्या पूरी बातचीत हो रही थी। और उसके बाद RS भट्ट जी एक्शन में दिखे, लगातार अवैध निर्माण को तोड़ा गया, सारी जो भी यहाँ अवैध निर्माण किया गया था उसको ध्वस्त कर दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, आपसे दरख्वास्त करेंगे। एक बार DTPRS भट्ट से भी बात करवा देंगे आपकी कि क्या कार्रवाई ये कर रहे हैं, किस तरीके से कार्रवाई जारी है, और आपसे दरख्वास्त करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। देखिए किस तरीके से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। लाइव तस्वीरें आपको सबसे पहले सबसे तेज दिखा रहे हैं। खुद यहाँ पर कुछ समय पहले उमेश अग्रवाल जी भी मौजूद थे, आपको बता रहे हैं, इसमें उमेश अग्रवाल जी का सीधा सीधा नाम आ रहा है, जिसके चलते ये कार्रवाई की जा रही है। लाइव दिखा रहे हैं DTPRS भट्ट पूरी तरीके से तैनात है, कार्रवाई करते हुए ध्वस्त कर दिया गया है, पूरे ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया है जो कि अवैध तरीके से अवैध निर्माण करते हुए बनाया गया था। दिखा रहे हैं आपको RS भट्ट जी मौके पर मौजूद हैं, पुलिस बल मौके पर मौजूद है, भारी मात्रा में पुलिस बल है, और पूरी तरीके से कार्रवाई करते हुए कार्रवाई करते हुए DTPRS भट्ट सबसे पहले द हिंद वॉरियर न्यूज़ पर आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले सबसे तेज़। आपसे दरख्वास्त करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, क्योंकि अभी तक फ़िलहाल इनके खिलाफ FIR भी की गई थी, FIR होने के बावजूद भी इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा था। ये लोग इस तरीके को FIR को भी एक तरीके से पूरी तरीके से FIR की भी कोई मान्यता नहीं रख रहे थे। इसके बाद DTPRS भट्ट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आज पूरे ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया है। सुबह 11 बजे से ये कार्रवाई चल रही है, आपसे दरख्वास्त करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और दिखा देता हूँ एक के बाद एक, जेसीबी के द्वारा यहाँ पे तोड़फोड़ जारी है, भारी मात्रा में पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद है, RS भट्ट खुद मौजूद हैं, RS भट्ट की अध्यक्षता में पूरी कार्रवाई चल रही है। और इससे पहले आपको बता देते हैं कि जितनी भी प्लॉटिंग वहाँ पे की गई थी, अवैध प्लॉटिंग की गई थी, उसको उखाड़ दिया गया, वहाँ से पूरी तरीके से उसको खोद दिया गया था वहाँ से। और अब DTPRS भट्ट जी फिलहाल ये जो ढांचा बना हुआ था, जिस तरीके से इसके अंदर पूरी तरीके से हर तरीके की सुविधा मुहैया करवाई गई थी, बैठने के लिए ऑफिस बनाया गया था, जिसको ध्वस्त कर दिया गया है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आपसे दरख्वास्त करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। पूरी तरीके से बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया है, जो बिल्डिंग के ओनर हैं वो भी यहाँ मौके पर आए हैं, मौजूद हैं। देखिए बिल्डिंग के ओनर, आइए आपको दिखाते हैं, जो मालिक थे वो भी मौके पर मौजूद हैं, आपसे दरख्वास्त करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। देखिए आपको दिखा देते हैं भाई साहब, जिसकी ये बिल्डिंग थी वो पूरी तरीके से यहाँ पे आ गए हैं, और हल्ला गल्ला उनके द्वारा किया जा रहा है और मान नहीं रहे हैं, बार बार बीच में कार्रवाई के बीच में अड़ंगा कर रहे हैं, बार बार कार्रवाई के बीच में आ रहे हैं, जिसके चलते देखें किस तरीके से DTPRS भट्ट जी मौके पर मौजूद हैं।
सर मैं पेड़ पौधों को बताऊंगा, मेरे को ज्यादा पता है पेड़ पौधे लगा रखे थे। प्रेस करो, छोड़ना नहीं है इसको, पकड़ो इसको, पकड़ ही रखो इसको। जो व्यक्ति लगातार कार्रवाई के बीच में बाधा बन रहा था, जो व्यक्ति लगातार कार्रवाई के बीच में आ रहा था, उसको पूरी तरीके से यहाँ पे अरेस्ट अभी कर लिया गया है, क्योंकि बार बार कार्रवाई के बीच में आ रहा था और लगातार DDPRS वर्ड कार्रवाई करते हुए लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो व्यक्ति यहाँ पे देखें किस तरीके से वो व्यक्ति यहाँ पे मौजूद था, इससे पहले भी यहाँ पे कार्रवाई को रोकने में, कार्रवाई को बाधित करने में आ रहा था, आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें। आपसे दरख्वास्त करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बार बार कार्रवाई के बीच में आया जा रहा है और कार्रवाई के बीच में जो भी आएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आइए एक बार DTPRS भट्ट जी के पास चलते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, साथ ही आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा और एक बार बात कर लेंगे DTPRS भट्ट जी से। सर कहाँ पर अभी क्या कार्रवाई कर रहे हैं, कहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं सर? देखिए ऐसे है, सेक्टर 77 हयात के ऑपोजिट इलीगल कॉलोनी काट रहे हैं, तो हम इसको पहले नोटिस दिए हैं, शो कॉज दिया है, रजिस्ट्रेशन ऑर्डर दिया है, उसके बाद ही हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके कर रहे हैं। सर हमने इससे पहले शायद एक खबर भी चलाई थी जिसमें FIR दर्ज की गई थी उमेश अग्रवाल जी के खिलाफ की गई थी, तो उनका ही नाम इसमें शामिल है यहाँ पे? देखिए ऐसे है, मेरा ये मानना है कि हम DTP एनफोर्समेंट की तरफ से जो भी कार्रवाई करते हैं, जो बंदा इलीगल कॉलोनी काट रहा है हमने उसके अगेंस्ट एक्शन लेना है, तो वो हम ले रहे हैं जी। सर कितने एकड़ में जमीन में जो प्लॉट्स काटे जा रहे थे? 8 एकड़ में कॉलोनी काटी जा रही है, जिसमें आप देखो रोड नेटवर्क है, और मैंने हमेशा ये कहा है कि अब हम इनिशियल स्टेज पर ही कॉलोनी को रोकेंगे, ताकि जब गरीब बंदा फंस जाता है वो अपने मकान बना लेता है, उसको धाराशाही करने से पहले है हम इनिशियल स्टेज पर कार्रवाई करें, और आज भी हम इनिशियल स्टेज पर ही कार्रवाई कर रहे हैं। या तो ऑफिस जो बना है वो तोड़ रहे हैं, जो डीलर का ऑफिस है, और दूसरा हम ये सड़कें तोड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, लगातार आपको बात करवाई DTPRS भट्ट से, बताया उन्होंने कि जो इनिशियल स्टेज पे ही अब कार्रवाई करनी शुरू कर दी गई है, क्योंकि जो लैंड माफिया थे वो क्या करते थे कि पहले प्लॉट काट देते थे, उसके बाद लोगों को ठगा जाता था, लोगों को एक तरीके से ठग के उनका पैसा व्यर्थ किया जाता था, क्योंकि अवैध कॉलोनी में अवैध निर्माण करना सख्त कानून के ख़िलाफ़ है। उसके बाद अब DTPRS भट्ट जी से हमने बात की, उन्होंने बताया कि लगातार अब जो इनिशियल स्टेज पर ही उस काम को रोक दिया जा रहा है, इनिशियल स्टेज पर ही काम रोक के और उसके बाद कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि RS भट्ट जी भी नहीं चाहते कि किसी ऐसे व्यक्ति का नुकसान हो जो अपना खून पसीने की मेहनत की कमाई एक ऐसे जगह पर लगा देता है जो अवैध होती है, पूरी तरीके से अवैध निर्माण होता है, लैंड माफिया है, उसको अपने झांसे में लेते हैं, उनको फंसाया जाता है। RS भट्ट जी भी नहीं चाहते कि उनका नुकसान हो, इसलिए पहले ही इनिशियल स्टेज पर कार्रवाई करने की बात उन्होंने की, और इनिशियल स्टेज पर ही कार्रवाई करी जा रही है, क्योंकि आपको दिखा देते हैं प्लॉट्स यहाँ पर काटे जा रहे थे, पहले भी इनके खिलाफ़ FIR दर्ज की गई थी, उसके बाद अब लगातार FIR दर्ज करने के बाद भी कोई भी रुका नहीं, लगातार प्लॉट काटे जा रहे थे, कार्रवाई की जा रही थी, और आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, क्योंकि और उसके बाद अब कार्रवाई सीधा जारी है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आपसे दरख्वास्त करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज़ आपको दिखा है, सुबह 11 बजे से कार्रवाई चल रही है, पहले प्लॉट्स जो थे अवैध प्लॉट्स जो काटे जा रहे थे उनको रोका गया, अब यहाँ पे पूरी तरीके से जो अवैध ऑफिस बनाया गया था एक तरीके से उसको तोड़ दिया गया है, लैंटर पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, पूरे ऑफिस को ध्वस्त कर दिया गया है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज़्यादा से शेयर कीजिए, भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर मौजूद है, देखिए किस तरीके से कार्रवाई हो रही है, अवैध निर्माण किया जा रहा था और अवैध निर्माण में DTPRS भट्ट जी ने कार्रवाई करते हुए इसको ध्वस्त कर दिया गया है। JCB यहाँ मौके पे लगी हुई हैं, तीनों JCB मिलके इसको पूरी तरीके से तीनों JCB लग के इसको आप
आपको बता देते हैं, करीबन 4 JCB मौके पर मौजूद है, भारी मात्रा में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है, और जो ये अवैध ऑफिस यहाँ पे बनाया गया है इसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हिंदू वॉरियर आपकी आवाज़ उठाता है, सच्चाई के साथ उठाता है। हम भी लोगों से दरख्वास्त करेंगे, आप ऐसे इल्लीगल जो जहाँ काम हो रहे हैं, इल्लीगल अवैध निर्माण हो रहे हैं, उसमें अपना पैसा ना लगाएं, क्योंकि एक दिन उनका भी यही हश्र होगा। इस भरोसे ना बैठे कि इल्लीगल जगह पे हम मकान ले लेंगे, कार्रवाई हो जाएगी। आपसे दरख्वास्त करूँगा इल्लीगल जगह पे कोई भी अवैध निर्माण ना करें, क्योंकि एक तरीके से वो कानून के खिलाफ है। और आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, और आपसे दरख्वास्त करेंगे कि जितने भी यहाँ लोग मौजूद हैं, अभी देखिए किस तरीके से पुलिस बल भारी मात्रा में मौजूद है। अवैध प्लॉटिंग आपको दिखा देते हैं, अवैध प्लॉटिंग भी यहाँ पे की जा रही थी, इतने बड़े एरिया में अवैध प्लॉटिंग का काम लगातार जारी था, अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। सड़क भी यहाँ पे बना दी गई थी, एक तरीके से देखिए पक्की सड़क यहाँ पे बना दी गई थी, पूरी तैयारी थी, लोगों को धोखा देने की पूरी तैयारी कर रहे थे। पर धोखा देने से पहले ही DTP RS भट्ट मौके पे आए और इस पे कार्रवाई करते हुए सारी चीज़ें ध्वस्त कर दी। आपको दिखा देते हैं, खुदाई काफ़ी जगह चली हुई है, खुदाई भी यहाँ पे की गई है, और अभी यहाँ पे कार्रवाई करते हुए DTP RS भट्ट बड़ा एक्शन लेते हुए यहाँ पे सारी जो जितना भी निर्माण था उसको ध्वस्त किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। आपसे दरख्वास्त करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। DTP RS भट्ट जी से हमने बात करवाई, उन्होंने कहा कि इनिशियल स्टेज पे ही अब कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लोगों का पैसा ठगने वाले बहुत से लोग हैं जो लोगों का पैसा ठगते हैं और उसके बाद उस पर उनका एक तरीके से लोगों को धोखा दे देते हैं, उसके बाद कार्रवाई रोकना मुश्किल होता है, लोगों को निकालना मुश्किल होता है, इसलिए पहले ही इनिशियल स्टेज पे ही कार्रवाई कर दी जाएगी। पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है, पूरी बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है। इससे पहले एक जो युवक थे वो भी इस काम में बाधा डालने के लिए आया था, जिसके बाद उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया गया है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। आपको लाइव फुटेज दिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, और आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप भी ऐसे इस तरीके से ऐसी जगहों पे अपने पैसे ना लगाएं, क्योंकि एक ना एक दिन उन पर कार्रवाई करके उनको ध्वस्त किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। कड़ी धूप में DTP RS भट्ट अपने काम में लगे हुए हैं, काम में आप लोगों के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि अवैध जो निर्माण होते हैं उसमें आपके खून पसीने की कमाई होती है, और लैंड माफिया है वो एक के बाद एक ऐसे अवैध निर्माणों पे पूरी तरीके से आता रहेगा, जिसको रोक दिया गया है। पूरी तरीके से इनिशियल स्टेज पे ही उस पर कार्रवाई करके उसको रोक दिया जाएगा। और आपसे दरख्वास्त करूँगा, ऐसी बड़ी तमाम खबरों के लिए और तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारा जो नया चैनल है उस पर भी ज़रूर जाएं, क्योंकि किसी कारणवश हमारे पुराने चैनल को रोका जा रहा है, उसको एक तरीके से, क्योंकि हम आपकी आवाज़ उठाते हैं, सच के साथ उठाते हैं, तो इस वजह से शायद उस चैनल को रोका जा रहा है, क्योंकि जनता की आवाज़ सुनने वाले जो जनता की आवाज़ उठाते हैं उन लोगों को अधिकतर रोक दिया जाता है। आपसे दरख्वास्त करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और साथ ही ऐसी बड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कैमरामैन तनुज।